जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है आपका 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर 2022। चलिए पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चित चीचा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिले में है। तो ये दुर्ग जिला, और अभी राम सर के कारण दोस्तों ये चर्चा में है। तो देखिएगा, दुर्ग जिले के पाटन के अंतर्गत चीचा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए जैव विविधता वाला क्षेत्र बन गया है, और ग्राम बेलौदी समेत अचानकपुर, सांतरा, चीचा गांव पक्षियों की आवास के लिए उभरते नाम है। यहाँ पक्षियों की कई स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती है, साथ ही यहाँ हर साल हजारों किलोमीटर दूर से विदेशी पक्षी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो किस जिले में है? तो ये दुर्ग जिले में है। ठीक है, चलिए देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। याद रखिएगा दोस्तों कि ये मैनपुर गरियाबंद से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर क्षेत्र को देश के सबसे उत्कृष्ट हीरो का भंडार वाला क्षेत्र माना जाता है। देखिएगा कि गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के बहराडी, पायलीखंड, जांगड़ा और कोदोमाली क्षेत्र में देश का सबसे उत्कृष्ट हीरो का भंडार होने की पुष्टि हो चुकी है। मैनपुर ब्लॉक में अब तक 6 हीराधारी चट्टान किम्बरलाइट पाइप की पुष्टि हो चुकी है। तो हीरा किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो किम्बरलाइट, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिएगा इसमें 4 की पुष्टि पहले ही हुई हो चुकी है, और 2 किम्बरलाइट पाइप की खोज बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड ने की थी। और ये है कि इन्हीं बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड का पूर्वेक्षण लाइसेंस राज्य सरकार ने 2001 में रद्द किया था, जिसके कारण 2 दशकों से यह क्षेत्र कानूनी विवादों में उलझा हुआ है। बहराडी, पायलीखंड, जांगड़ा और कोदोमाली क्षेत्र में और भी किम्बरलाइट पाइप मिलने की अनुमान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सबको हीरा के लिए है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोधनपुर, अंबिकापुर। देखिएगा ये है, तो देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर क्लिनिक योजना की शुरुआत की है। प्रदेश के पहले हमर क्लिनिक का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा अंबिकापुर के गोधनपुर में किया गया है। याद रखिए कि लोगों को घर के पास छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है, और इसमें केंद्र में है ना, इस केंद्र में दोस्तों 7 प्रकार की पैथोलॉजी जांच के साथ 46 प्रकार की दवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। अंबिकापुर में कुल 16 व पूरे छत्तीसगढ़ में 182 हमर क्लिनिक खुलेंगे। हमर क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर समेत 4 स्टाफ रहेगा, याद रखिए। और हमर क्लिनिक में 2 शिफ्ट में OPD चलेंगी। पहले शिफ्ट में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक समय रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने PM3 स्कूल खोले जाएंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1। याद रखिएगा दोस्तों, 1। तो देखिए इसके संबंध में, आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाले PM3 स्कूल की तैयारियां प्रदेश में आरंभ हो गई है, और प्रदेश के जो है प्रत्येक विकास खंड में एक एक PM3 स्कूल खोले जाएंगे। PM3 स्कूल चयन व अन्य क्रियान्वयन के लिए समग्र विकास राज्य परियोजना कार्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर समिति गठित की है। PM3 स्कूल राज्य के प्रत्येक विकास खंड के एक एलिमेंट्री एवं एक सेकेंडरी स्कूल का चयन किया जाना है। इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी सिफारिशें लागू होंगी। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से परांगत किए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट में परांगत किए जाएंगे। और वहीं चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। विभिन्न श्रेणी की स्कूलों, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8वीं, कक्षा 6वीं से 10वीं, कक्षा 6वीं से 12वीं, कक्षा 1 से 10वीं एवं कक्षा 1 से 12वीं को PM3 के लिए चयनित किया जाना है। ओके,
ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित कुंडा और पिपरिया जिसे तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। तो ये है दोस्तों कबीरधाम जिला, देख लीजिए किन किन जिलों से लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके संबंध में, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कबीरधाम जिले के कुंडा और पिपरिया को तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। कुंडा यह तहसील पंडरिया से अलग कर बनाई जानी है, इसमें 88 गांव शामिल होने हैं और इस नई तहसील की उत्तरी सीमा पंडरिया तहसील, दक्षिण में बेमेतरा जिले की बेमेतरा तहसील, पूर्व में मुंगेली जिला की जो है मुंगेली तहसील और पश्चिम में कबीरधाम जिले की कवर्धा तहसील आनी है। वहीं दोस्तों कवर्धा तहसील से अलग कर पिपरिया को नई तहसील बनाया जाना है और इस नई तहसील में कुल 99 गांव और एक नगर पंचायत को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसकी जो सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम दिशा में कवर्धा तहसील से जुड़ेंगी और इसके दक्षिण में सहसपुर लोहारा तहसील और पूर्व में बेमेतरा जिले की साजा और बेमेतरा तहसील आएंगी। याद रखिए कि कबीरधाम जिले में अभी 4 तहसीलें हैं, कवर्धा, पंडरिया, बोडला और सहसपुर लोहारा है। ओके, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अभी 178 तहसीलें हैं, वहीं 70 के करीब उप तहसीलें भी कार्यरत हैं और अभी नए बने खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिले में ही सालेवारा को तहसील बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 नई तहसीलों के जो गठन की है ये घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए बस्तर में तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, BSNL, याद रखिए। देखिएगा, देखिए बस्तर के ग्रामीणों को भी अब तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन द्वारा BSNL के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम संचालित किया जाएगा जिसमें बस्तर जिले के 108 गांवों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएंगी। इस तरह की सेवा वृहद स्तर पर प्रदेश में पहली बार शुरू की जा रही है। इससे दोस्तों ग्रामीण अंचल के बच्चे भी अब इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही राज्य और केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, एलिस बियालियास्की, याद रखिए। देखिए इसके संबंध में, बियालियास्की रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है। ओके, ध्यान दीजिएगा। यह है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी सलाहकार परिषद की तरह ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इस अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे जिसमें राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष तथा भार साधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। भार साधक सचिव आदिम जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सभा के सदस्य जो परिषद के लिए मनोनीत किए गए हैं उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक वे सभा के सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए जितनी की राज्य शासन उचित समझे पद धारण करेंगे। ओके, देखिए गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्वर्ण पदक किसने दिलाया है?
ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही है आकर्षि कश्यप, याद रखिएगा। हाल ही में स्वामी आत्मानंद की जयंती कब मनाई गई है, ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है 6 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 खेल का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2022 से किया गया, इसका समापन कब होगा, तो कब होगा यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही है दोस्तों 6 जनवरी 2023, याद रखिएगा 6 जनवरी 2023। देखिए निम्नलिखित में से किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, एनी एर्नो, याद रखिएगा। देखिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त तीनों, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ खुला है, ऑप्शन को यहाँ पर देखिए और इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। चले बहुत बहुत धन्यवाद, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए धन्यवाद।